ओजेकी और हिनोमारू का एक प्रैक्टिस मैच होता है जो ओजेकी के लिए कोई ड्रीम मैच से कम नहीं था। उन्हें अपनी सुमो रेसलिंग को बढ़ाने के लिए और टूर्नामेंट लड़ने चाहिए, हिनोमारू कहता है। ओजेकी कहता है कि वो भी यही चाहता है, पर स्कूल में मेंबर्स भी कम है, उन्हें और 3 लोगों को रिक्रूट करना होगा टूर्नामेंट के लिए। हिनोमारू के पास प्लान था रिक्रूट करने का, वो था फ्री सूप। वो लोग एक ठेली लगाते हैं, वो भी फ्री सूप की, पर एक भी बच्चा नहीं आता सुमो क्लब ज्वाइन करने के लिए, और साथ में हिनोमारू का बनाया सूप बेकार होता है। हिनोमारू निराश स्टॉल में खड़ा था। जब ओजेकी वहां से चला जाता है तो वहां सेकेंड ईयर स्टूडेंट रेसलिंग क्लब का कुनिसिकी चिचोरो खड़ा था और उसे वो सूप स्वादिष्ट लग रहा था। वो हिनोमारू को रेसलिंग एग्जीबिशन मैच का इनविटेशन देता है। यहाँ रेसलिंग क्लब में रायना गोजो, स्कूल की प्रेसिडेंट काउंसिल और सबसे खूबसूरत लड़की फ्रेशमैन स्टूडेंट की बातें सुन रही थी कि कैसे सुमो रेसलिंग अच्छा है। वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे सुमो रेसलिंग बिल्कुल नहीं पसंद। ओजेकी और हिनोमारू उस एग्जीबिशन मैच को देखने पहुंच जाते हैं। वो चिचिरो की रेसलिंग देख स्तब्ध था। हमें पता चलता है कि ये एक एग्जीबिशन मैच है, इसलिए कोई भी चिचिरो को चैलेंज कर सकता है। हिनोमारू अपने कपड़े उतार चिचिरो को मवाशी के लिए चैलेंज करता है। मवाशी यानी सुमो द्वंद। हिनोमारू रूल सेट करता है कि वो सुमो रूल के तरह और चिचिरो रेसलिंग रूल में खेलेंगे। रायना रेफरी बनती है क्योंकि उसे हिनोमारू को एम्बेरस करना था। मैच शुरू होता है, चिचिरो आगे बढ़ता है, वो हिनोमारू पे अपने स्पेशल अटैक करने ही जाता है कि हिनोमारू उसे जमीन में गिरा देता है। चिचिरो दोबारा हिनोमारू के तरफ बढ़ता है पर हिनोमारू उसके मूव्स को डॉज कर रहा था। जब कोई भी मूव काम नहीं करता है तो चिचिरो अपने स्पेशल एयर फ्लाई मूव का इस्तेमाल करता है, पर हिनोमारू उसे भी डॉज कर देता है। हिनोमारू तब अपने हाथों से लगातार स्ट्राइक करता है और चिचिरो को जमीन में फेंक देता है। चिचिरो आखिरी बार ट्राई करता है और वो अपने टेक्निक में चेंज लाता है और हिनोमारू को गिराने की कोशिश करता है, पर हिनोमारू काउंटर कर देता है और चिचिरो को पलट देता है और वो भी सेंटर में। सब शॉक थे, ओह माय गॉड, कि सबसे पावरफुल स्टूडेंट हार गया, वो भी नए लड़के हिनोमारू से। रायना को हिनोमारू को विजय घोषित करना पड़ता है और वो निराश थी। वो गुस्से में आ जाती है जब चिचिरो बताता है कि अब वो भी सुमो ज्वाइन करेगा। उन तीनों के पास एक स्टूडेंट मिच्छू हाशी पहुंचता है। वो कहता है कि वो भी सुमो क्लब ज्वाइन करना चाहता है। वो काफी दुबला और पतला था पर फिर भी वो लोग उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। युमा अपनी सिस्टर को बताता है कि वो सुमो क्लब ज्वाइन कर रहा है और एक दिन वो हिनोमारू को हराएगा, बेसिकली बदला। रेना मुंह फुला देती है। उसी दिन युमा डोजो को क्लीन कर देता है और ओजेकी से माफी मांगता है और सुमो क्लब ज्वाइन करने की इच्छा जताता है। जब वो पांचों मेंबर वहां होते हैं तब किरीहितो, हिनोमारू का बचपन का दोस्त, वहां आता है और क्लब का कोच बनने की पेशकश रखता है और उसका एम टीम को नेशनल लेवल तक पहुंचाना होता है। उसे सारे लोगों की उपलब्धियां पता होती हैं जो वो बताता भी है। वो बताता है कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और कहता है कि तुम्हें नेशनल लेवल पे ले जाने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और एक प्रैक्टिस मैच भी ऑर्गेनाइज किया है। वो एक नेशनल लेवल स्कूल है और उसका नाम है एडा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल। पांचों खुश थे। वो लोग उस दिन एडा स्कूल पहुंचते हैं और उनके साथ रेना भी जाती है ताकि वो अपने भाई को सुमो क्लब छोड़ने के लिए राजी कर पाए। स्कूल में उनका सामना एडा रेसलिंग टीम से होता है। प्रैक्टिस मैच शुरू होता है युमा से, जिसके सामने होता है ओगाची। मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से युमा बहुत ट्राई करता है पर वो हार जाता है। ओजेकी भी ट्राई करता है पर वो भी हार जाता है। एक के बाद एक सब हार रहे थे। हिनोमारू की नजर अपने स्कूलमेट सुन कारिया पे जाती है जो उसके खिलाफ बचपन में लड़ा था।
हिनमार उसके पीछे जाता है, अगले ओपोनेंट से लड़ने चिचुरो बढ़ता है और वो अपनी रेसलिंग टेक्निक से अपने सामने वाले को पेल देता है। यहाँ सुन कुजे के पास जाता है जो एडा स्कूल का सबसे बढ़िया सुमो रेसलर था। वो उससे बताता है कि हिनुमारु आ रखा है, चलो उसे लड़ने। कुजे साफ उसे मना कर देता है। यहाँ किरीहोतो को याद आता है कि उसने एवा सुमो रेसलर के कैप्टन जिन योमड़ा को कन्विंस किया था कि वो उनके साथ प्रैक्टिस करे, जिन इसके साफ खिलाफ था। उसका कहना था पर इसमें हमारा क्या फायदा। किरीहोतो उसे समझाता है, सुन तुम्हें हिनुमारु से लड़ने का मौका मिलेगा और साथ में हमें खासकर सासुके से लड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ हिनुमारु कुजे के सामने खड़ा था और उसे याद था कि कैसे वो उससे लड़ा एलिमेंट्री स्कूल में और उसने उसका यानी हिनुमारु का हाथ तोड़ दिया। इस घटनाक्रम के बाद सासुके के पिता योको सिमुनी यामारु कुनी, जो कि एक महान सुमो रेसलर थे, ने सासुके पे लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ हिनुमारु सासुके से लड़ना चाहता था पर सासुके को कोई शौक नहीं था। सासुके के जगह शुन सुमो रेसलर हिनुमारु के खिलाफ रिंग में लड़ने आता है। मैच शुरू होता है, हिनुमारु शुन को पुश करता है पर शुन सारी चालें डॉज करता है। वो कोशिश करता है कि हिनुमारु उसके मवाशी को टच ना कर पाए। दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे पर जब हिनुमारु शुन को उठा नहीं पा रहा था तो वो उसे अपनी स्पेशल अटैक कंबाइन कर देता है, 100 डीमन टेक डाउन, और शुन को गिरा देता है यानी पेल देता है। शुन को हराने के बाद हिनुमारु गुस्से में कहता है कि वो प्रोफेशनल योकोजुना बनेगा, यानी कि टॉप प्रोफेशनल सुमो रेसलर बनेगा, और वो सोसुके को चैलेंज करता है। पर ये क्या, अपने पिता के खिलाफ जाकर सोसुके पहली बार रिंग में आता है। हिनुमारु और वो लड़ते हैं, दोनों अपने सिर टकराते हैं, हिनुमारु पीछे स्लिप करता है, दोनों एक भयानक फाइट लड़ते हैं। पर विनर घोषित करने से पहले ही एगा स्कूल का सुमो कोच वहां आ जाता है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा। इसका पार्ट जल्दी आने वाला है, फोर्थ पार्ट आएगा। दिस इज विवेक सजवान जीतू सकलानी भाई के साथ, पीस आउट।